फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वैंसी एंड आशु व्लॉग्स, और मेरा नाम है वंदना। तो दोस्तों, सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और आज दिन है शनिवार और दिन तारीख है 27 अगस्त। जी हाँ, आज मैंने तारीख और दिन पहले से याद कर लिया था, मैं रोज़ भूल जाती हूँ। तो अभी सुबह फ्रेश वगैरह होके मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। आज मैं आपको अपना मॉर्निंग, जो मेरा थोड़ा सा चेंज किया है मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन, तो मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। और फिर अभी मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और अभी मैं ब्रश करने के बाद आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में और कर रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। कि सुबह सुबह जैसे गर्म पानी पी लो तो ना अच्छा होता है, या फिर नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं तो वो भी अच्छा होता है। तो खैर, मैं तो ज़्यादातर गर्म पानी ही पीती हूँ। खैर, ये मेरा जो रूटीन है गर्म पानी पीने का काफ़ी पहले से है, लेकिन मैं आपको आपके साथ ये रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर आज घर पे नींबू नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैं सिर्फ नॉर्मल जो पानी है बस वही पीऊँगी। नहीं तो अगर नींबू होता तो मैं आधा लेमन इसमें डाल दी थी, तो फिर वो और भी ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर मैं अपना पानी बैठ के पी रही हूँ। मैं आज कम से कम, मतलब सुबह मैं दो लीटर कह रही हूँ, बाप रे, दो ग्लास पानी पीती हूँ। और मैं आपसे, आप लोगों के साथ ये कह रही थी कि जो मैंने अपना रूटीन चेंज किया है उसमें मैंने अपनी एक्सरसाइज ऐड की है, कि मैं घर पे ही अपना 10 से 15 मिनट अपना डेली एक्सरसाइज कर लिया करूँगी। और फिर क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ हमेशा हमें अपने बारे में सोचती ही नहीं है, दूसरे के बारे में सोचती रहती हैं। मतलब दूसरे, मतलब फैमिली, घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ वहाँ की बातें सोचते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में हम हाउसवाइफ नहीं सोचती हैं। तो बस मेरा ये कहना है दोस्तों, 24 घंटे में से ना 15-20 मिनट आप निकाल सकते हो, चाहे आपके बच्चे हों या आपके फैमिली हो, कोई भी हो, आप निकाल सकती हैं। 15 मिनट तो निकल सकता है, अगर आपको कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। इसलिए मैंने अपने रूटीन में एक्सरसाइज ऐड कर दी। एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा होता है। ये नहीं कि मोटे हो तो पतले होने के लिए एक्सरसाइज करो, सबसे ज़रूरी तो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। बीमारियाँ, आधी बीमारियाँ तो ऐसी घट जाती हैं। और फिर जो दिमागी का टेंशन होता है, जो लोग परेशान होते हैं, तो वो तो सबसे अच्छा होता है। ये एक्सरसाइज करो तो उससे मन खुश हो जाता है और फिर पूरा दिन आप इतना पॉजिटिव फील करते हो, इतना एनर्जेटिक फील करते हो और बहुत अच्छा भी लगता है। कोई टेंशन भी होती है तो आधी टेंशन तो ऐसी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने अपने उसमें रूटीन में ऐड कर लिया है। मैं मतलब कभी कभी मैं मॉर्निंग में कर लूँगी, अगर मॉर्निंग में नहीं हुआ, जैसे कभी होता है कि नहीं हो पाता है, तो अपने इवनिंग में कर लो, लेकिन 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हो, मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, तो हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से सिर्फ पॉजिटिव वाइब ही आए और मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो। तो इसीलिए ये मैंने अपने लाइफ में ऐड किया है। तो ऑब्वियसली बात है ना, किसी को कहने से पहले वो चीज़ खुद भी करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने आज से अपना ये रूटीन ऐड कर लिया है। और फिर मैं इसके बेनिफिट जैसे जैसे मुझे होगा वो मैं आपको बताती ही रहूँगी। तो बस उसकी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जो घर का जो क्लीनिंग रूटीन है, बस मैं अब वही करने आ गई हूँ। आज मैंने ना बस 15 मिनट एक्सरसाइज किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 15 मिनट ही एक्सरसाइज किया। तो कोई नहीं, 15 मिनट भी बहुत होता है स्टार्टिंग के लिए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो अपने बॉडी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। तो फिर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी फटाफट। और बर्तन वगैरह तो धुले ही थे, वो रात में ही मैं धो के सोती हूँ। किचन वगैरह तो मेरा रात का क्लीन ही रहता है। और ये सब्जी देखिए, कल हस्बैंड कल रात में लेकर आए थे करेले की सब्जी, और ये मैंने धो के इस छन्ने में रख दिया था ताकि सूख जाए। और देखिए क्या हो गया करेले को, मतलब कि ये तो सफ़ेद सफ़ेद फंगस लगे रात भर में, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा का पूरा करेला खराब हो गया है और पूरा पीला पड़ गया है, पता नहीं सड़ गया है, गल गया है, और ये बहुत ही ख़राब हालत में हो गया है। मतलब मुझे तो अब करेला खाने का बिल्कुल नहीं मन करेगा ये ऐसा करेला देखकर। हस्बैंड लेकर आए थे, बड़े खुश थे कि करेले की सब्जी उनको बड़ी पसंद है ना, मुझे लगा आज मैं वही बनाऊंगी लंच में, लेकिन ख़राब हो गया। अब कहाँ बनाऊंगी, अब सब्जी वाले भैया आएंगे ना तो उनको बोलूंगी भैया कैसा करेला दिया, कि ये बिल्कुल तो सब, मतलब 2-3 दिन रहे, कहीं रहे तो अलग बात है, ये रात रात भर में ऐसा हो गया है। तो खैर, वो तो अब हो गया, आपको उसका क्या कर सकते हैं, उसको तो मैं फेंक दूंगी अभी।
और फिर अभी मैं घर में लगा रही हूँ पोछा, झाड़ू लग गया था, पोछा मैंने लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद फिर मैंने पूजा किया और फिर ये जो कपड़े हैं, एक बाल्टी भर के पूरा कपड़ा है, इसको मैं लगा रही हूँ मशीन में, क्योंकि नहाने से पहले अगर लगाती तो जो मैं नहाने के बाद जो कपड़े थे वो रह जाते, तो इसीलिए सारे कपड़े मैंने अब एक साथ लगा दिया है, तो सारे कपड़े आराम से आ गए थे इस मशीन में। और ये मशीन ना बहुत अच्छी है, मैं सच बता रही हूँ, ये LG की मशीन है, 8 किलो की है, बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छे से कपड़े वॉश होते हैं इसमें। तो फिर अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अपने लिए, ये तो है नहीं घर पे, इनको एक फोन आ गया था, ये अपना चले गए, सिर्फ चाय पी के गए, और इतनी गर्मी हो रही है ना बाप रे, बिल्कुल अभी मैं नहा के आई हूँ और पूजा किया उसके बाद ऐसा पसीना पसीना हो रहा है, बाल एकदम भीगे हुए हैं। तो अभी मैंने ना फेस पे कुछ मॉइस्चराइजर लगाया नहीं है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा किचन में खाना मतलब ये ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए, तो पूरा पसीने में फिर से भीग जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद जब मैं बैठूँगी ना थोड़ा फैन के नीचे, तो फिर अपना जो फेस का मॉइस्चराइजर वगैरह मैं फिर लगाऊँगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं ऑमलेट, अंडे का ऑमलेट बना लेते हैं, और 3 अंडे का ऑमलेट बनाऊंगी मैं अपने लिए, और ये जो 2 अंडे हैं ना इसका वो निकाल लूँगी, येलो वाला जो पार्ट है वो अलग कर दूँगी, उसका यूज़ नहीं करूँगी, बस एक येलो वाला पार्ट यूज़ करूँगी, तो अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा येलो वाला पार्ट नहीं खाना चाहिए। तो अभी ना मैं ब्रेकफास्ट में अपने लिए बनाऊंगी, एक तो एग भुर्जी जो बनाया था वो बताया था वो बनाऊंगी, और उसके साथ में ना मैं एक रोटी बनाऊंगी, मैं पराठे नहीं खाऊंगी उसके साथ, मैं रोटी खा लेती हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं है कि पराठे के साथ ही खाओ सूखा लगेगा, मेरा चलता है, मतलब मुझे कुछ भी दे दो मैं खा लेती हूँ, रूखा सूखा खाना सब मेरे को हजम हो जाता है। तो फिर उधर मैंने एक साथ चाय भी रख दी है, और दूसरी साइड अब मैं बनाऊंगी अपना वो जो एग भुर्जी है वो बना दूंगी। तो मैंने उसमें ना प्याज था नहीं, तो मैंने उसमें क्या कहते हैं वो काट लिया है हरी मिर्च काट लिया, उधर साथ में चाय भी रख रही हूँ, तो उधर चाय में दूध डाल दी, मैंने चाय पत्ती डाल दी, साथ साथ में तो चाय भी बनता रहेगा और इधर मेरा एग भुर्जी भी बन जाएगी। तो प्याज भी था नहीं, तो बस मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी, नमक डाल दिया इसमें, बस यही चीज़ डाला मैंने, थोड़ा सा मैंने घी डाला, तो घी देखिए मैंने कितना कम घी डाला है, तो घी तेल वगैरह थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, तो बॉडी के लिए अच्छा होता है, बस यही है। तो फिर मैंने घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको बनने में मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, बहुत जल्दी बन जाता है। तो फिर इधर ये बन के तैयार हो गया है, और इधर मैं चाय में अदरक डाल देती हूँ, साथ ही साथ दो काम हो रहा है ना, तो फिर हो जाता है कभी कभी। तो फिर इधर मैं रोटी मैं बनाऊंगी, और आटा ना कल रात का ही थोड़ा सा ज़्यादा गुथा हुआ था, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले वो आटा ख़त्म हो जाए और फिर मैं दूसरा आटा गूँथूँगी। वैसे तो मैं रोज़ नया फ्रेश आटा ही गूँथती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना गलती से आटा ज़्यादा जाता है। तो फिलहाल मैं अपने लिए भी एक रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद ये ऑस्कर रैम्बो की रोटी बनाऊंगी, और हस्बैंड अभी पता नहीं कब आएंगे, तो जब वो आएंगे ना तब उनके लिए फ्रेश आटा गूंथ के मैं उनके लिए तभी बनाऊंगी, अभी इसे गूंथ के नहीं रखूंगी मैं उनके लिए। तो यहां पर मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटियां। और अभी रोटी बन चुकी है, ऑस्कर रैम्बो की भी रोटी बन चुकी है, अब मैं किचन को थोड़ा सा समेट देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि जब से ऐसे बिखरा रहता है ना तो मुझसे खाया नहीं जाता है, तो एक बार बस हल्का हल्का ऐसे पोंछ दूंगी, बहुत तो गंदा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने सुबह साफ ही किया हुआ था। तो फिर इधर मैं हल्का हल्का कपड़ा मार देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो फिर अब चाय को भी मैंने गर्म कर लिया है, और चाय में मैं चीनी नहीं डालती हूँ, ये मैं आपको पहले ही मैंने आपको बताया था, तो मैं गुड़ डाल के ही चाय पीती हूँ। तो मैं क्या करूँ, जब चाय बन जाती है ना तो उसके बाद कप में गुड़ डाल देती हूँ, फिर चाय ऊपर से डाल के चम्मच से घोल देती हूँ। और फिर मैंने ले ली अपना एक रोटी, और ये मैंने एग भुर्जी ले लिया, तो ये मेरा अभी सुबह का हेल्दी नाश्ता है, तो बहुत अच्छा नाश्ता है। और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ दोस्तों लाइव आने के लिए, और अभी मतलब आज मैं आई थी 1 बजे के करीब मैं लाइव आई थी, तो खैर आज मैं बहुत गलत टाइम पे लाइव आ गई थी, बहुत सारे दोस्त ज्वाइन नहीं कर पाए थे, यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो फिर मैं वही उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी यहाँ पे, और फिर मुझे लगा चलो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, और फिर मैं थोड़ा सा बैठी थी, उसके बाद मैं तैयार होके अब मैं जा रही हूँ फटाफट लाइव, और देखिए तैयार होगी, मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया था।
तो मेरा जो लाइव सेशन है वो खत्म हो गया है। आज है 27 अगस्त और दिन है शनिवार और अभी टाइम हो रहा है 2:15 बज रहे हैं और मेरा लाइव सेशन बस ख़त्म हो गया अभी। तो बस हो सकता है मैं इस वीडियो को आज ही अपलोड करूं या कल एडिट करके अपलोड करूं, अभी मुझे इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने जो सुबह मॉर्निंग का रूटीन था वो सब तो मैंने शूट कर लिया है। बात कर देखती हूँ उसमें क्या क्या ऐड कर सकती हूँ मैं भी। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने, ये देखिए आपको शायद दिखा होगा मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, जब मैं लाइव थी ना तो उस टाइम भी इधर साइड में कपड़े भी धुल रहे थे, तो अभी मैं इसको जाती हूँ फैलाने के लिए। और जब मैं लाइव आती हूँ ना, आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे, जितने लोगों से भी मैंने बात किया उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं बस वो जो कपड़े धोए थे ना बस वो फैला देती हूँ, उधर लाइव भी था इधर मशीन भी चल रही थी, तो हम हाउसवाइफ की आदत होती है, मतलब हम लोग कभी भी एक बार में एक काम नहीं करते, एक बार में कम से कम दो काम तो करना ही करना होता है, तो फिर ये होता है मल्टीटास्किंग है हम लोगों में, तो ऐसे हम कर्म लोग करते हैं और ऐसे हम लोगों का काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और इजी भी रहते। और ये देखिए मेरे बाल कितने सफ़ेद हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, देखिए कितना सफ़ेद हो गया है। अभी मैंने बहुत टाइम से ना मेहंदी नहीं लगाया, बाप रे बहुत टाइम से ना, देखिए कितना सफ़ेद हो गया। और बहुत टाइम से मैंने अभी मेहंदी लगाया नहीं है, तो एक्चुअली मैं वो पत्ते वाली जो हरी पत्ते वाली मेहंदी होती ना मैं वो लगाती हूँ, और वो यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा है। मैं अभी फिर अब मेरे घर पे तो है, लेकिन अब देखती हूँ मैं, मुझे अपने मायके कब जाना है मुझे खुद ही नहीं पता है। पापा मम्मी बुला तो रहे और हो सकता है कि मैं सेप्टेम्बर में अपने मायके भी जाऊँ। तो दोस्तों बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने के लिए आई हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।